छिंदवाड़ा के पांडोना में विश्व प्रसिद्ध गोटमार का आयोजन होने जा रहा है। पत्थरों से खेले जाने वाले खेल को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। गोटमार में लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। गोटमार में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आस्था और विश्वास के नाम पर खेले जाने वाले खतरों को लेकर प्रशासन ने धारा 144 भी लगाई हुई है। चंडी माता की पूजा अर्चना के बाद गोटमार खेला जाएगा। तो विश्व प्रसिद्ध है गोटमार का खेल और उसको लेकर तैयारियां भी की जा चुकी हैं। पूजा अर्चना पहले की जाएगी, उसके बाद गोटमार का जो खेल है वो खेला जाएगा। पांडोना में दरअसल गोटमार का जो आयोजन है वो किया जाना है, लेकिन आपको बताएं कि इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अब तक घायल भी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो खेल है वो खेला जाता रहा है। महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, तमाम यहाँ पर गाइडलाइंस जो हैं, जाहिर सी बात है, जारी कर दी गई होंगी। कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई हैं लोगों के लिए, और क्या तैयारियां की गई हैं? ये लगातार कई वर्षों से जो है यहाँ पर गोटमार खेला जाता है। गोटमार यानी पत्थरों का खेल। एक दूसरे गांव के लोग आपस में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और पत्थर बरसाने से लोग घायल भी होते हैं। अब तक 17 लोगों की इस खेल में मौत हो चुकी है और लगभग 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये पांडुना छिंदवाड़ा जिले के पांडुना में ये खेल खेला जाता है। प्रशासन पूरे एहतियात के तौर पर पूरी व्यवस्थाएं करता है। ये खेल रोकने के बहुत प्रयास हुए, परंतु आस्था और प्रतीक के नाम पर खेला जाने वाला ये खूनी खेल लगातार यहाँ पर बदस्तूर जारी रहता है। अब प्रशासन ने जो है इसके लिए गाइडलाइन भी जारी करी हुई है। धारा 144 यहाँ लगाई गई है। अस्त्र शस्त्र लेकर के आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। विशेषकर गोफन जो रस्सी में बांधकर पत्थर को फेंका जाता है, जिससे काफी तेज मार पड़ती है, उस पर यहाँ पूरी तरह प्रतिबंध है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है, लेकिन यहाँ पर गाइडलाइंस के तहत धारा 144 भी लगा दी गई, लेकिन पत्थरबाजी की घटना को गोटमार दरअसल ये कहा जाता है। एक बार आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि दरअसल गोटमार होता क्या है। प्रशासन के संरक्षण में दो गांव के बीच में दरअसल ये खेल होता है। प्रेमी जोड़े की याद में गोटमार होती है। प्रेमी जोड़े ने प्यार की खातिर अपनी जान दे दी थी और उसके बाद से ही इस खेल की जो शुरुआत है वो हुई थी। जाम नदी के बीच में दरअसल ये जो खेल है वो खेला जाता है। नदी के दोनों किनारे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये खेल काफी प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने के बाद ही ये खेल को खेला जाता रहा है, लेकिन इसमें कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जो घायल भी हो चुके हैं। बावजूद इसके ये जो खेल है वो खेला जाता रहा है। प्रेमी जोड़े की याद में ये गोटमार होता है, गोटमार का जो खेल है वो खेला जाता रहा है। धारा 144 प्रशासन की ओर से लागू कर दी गई है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि इसको रोकने का काफी प्रयास हुआ, क्योंकि जान को जोखिम में डालकर ही ये खेल जो है वो खेला जाता रहा है। और अब इसकी जो तैयारियां हैं, माफ कीजिए, इसकी जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी को ही गोटमार कहा जाता है, जो कि एक दूसरे पर पत्थर जो हैं वो बरसाए जाते हैं। दो गांव के बीच में दरअसल ये पत्थरबाजी होती है, जिसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो कि घायल भी हो गए हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपको ये भी बताएं कि सबसे पहले चंडी माता की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना के बाद ही गोटमार का जो प्रारंभ है वो होता है, इसकी जो शुरुआत है वो होती है। हालांकि लोग बढ़ चढ़कर इस खेल में हिस्सा लेते हैं, बावजूद इसके कि उनको चोट लगेगी या कोई घायल हो जाएगा, लेकिन बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया जाता है और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं, जिसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया जाता है। पूजा अर्चना पहले माता की जाती है और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद ही ये खेल का प्रारंभ होता है। महेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत लंबे समय से इसको रोकने का प्रयास किया गया प्रशासन की ओर से, लेकिन रुके नहीं लोग, और बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ये खेल खेलते रहते हैं।
बिल्कुल ये बात सही है कि ये लोग जान जोखिम में डाल करके इस खेल को खेलते हैं, परंतु एक बात जरूर है कि जिस तरह से लोग घायल भी होते हैं और उनका ये कहना है कि माता चंडी जो है हमें प्रसाद के रूप में ये फल देती है, परंतु आज सुबह जब यहाँ पर माहौल बनता है और माहौल के बाद में माता चंडी के पास पलाश का घेर लगाया जाता है और उस पलाश के पेड़ को यहाँ पर गड़ाया जाता है। हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पलाश का पेड़ यहाँ पर लगता है और पलाश के पेड़ को यहाँ पर लगाया जाता है। पलाश के पेड़ के बाद में अब जो है कुछ ही देर बाद यहाँ पर गोटमार चालू होगी। सावर गांव और पांडुरना ये दोनों पक्ष के गांव के लोग आपस में एक दूसरे पर पत्थर बरसाएंगे और लगातार लोग घायल होंगे। प्रशासन ने पूरे स्वास्थ्य की अस्पताल यहाँ खोल के रखा है और जो अस्पताल के माध्यम से उनका इलाज होता है। कहीं ना बिल्कुल महेश, लेकिन कितने लोग इस खेल में हिस्सा लेने जा रहे हैं, अगर हम आज की अगर हम बात करें तो कितने लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं इस खेल में? इस खेल के लिए कोई भी ऐसी संख्या निर्धारित नहीं होती है। दोनों गांव के लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, लोगों के घरों के ऊपर पत्थर रखे जाते हैं और प्रशासन भी जो है कई बार कुछ ना कुछ जगह पत्थरों का इंतजाम करता है। रोड पर पूरे पत्थर रहते हैं, पूरे पांडुना के लोग एक तरफ होते हैं, नदी के दूसरी तरफ सावर गाँव के लोग होते हैं और ये प्रेम के प्रतीक के रूप में आस्था और विश्वास के नाम पर ये खूने खेला जाने वाला खूनी खेल लगातार यहाँ पर जारी रहता है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर लगभग 10 बजे के आसपास ये खूनी खेल यहाँ पर खेला जाएगा और लोग इसमें घायल होंगे और अपना इलाज कराएंगे और फिर वापस खेलने के लिए फिर वापस मैदान में उतर जाएंगे। बिल्कुल महेश, बिल्कुल प्रेमी जोड़े की याद में ही ये खेल खेला जाता है, जो कि शुरुआत जैसा कि आप बता रहे हैं थोड़ी देर में इसकी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।